वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज दे दा जिहड़ा साडा पहला लैक्चर है, ये आसा की वार दे उत्ते है। गुरु नानक साहब दी प्रमुख रचना है, अध्यात्मक मार्ग है। इहदे विच इस विच नेकी, सच, प्रेम, श्रद्धा, निम्रता आदि दा जस गाया गया। वैसे तो वारां योध्यां दियां हुंदियां ने कि योध्यां दी टक्कर दा हाल हुंदा, बहादुरां दियां युद्धां दियां चर्चावां हुंदियां ने, पर आसा की वार विच गुरमुखता ते मनमुखता दी टक्कर दी चर्चा है। बदी अते कूड़ कर्म कांडां ते होमे दी निंदा है। आसा की वार विच गुरु नानक ने उस समय दे धार्मिक, समाजिक, राजनीतिक स्थिति नूं बड़ी गहराई नाल रचिया और बड़ी प्रभावशाली ढंग नाल इहदा चित्रण कीता है। गुरु अर्जन साहब ने गुरु ग्रंथ साहब की संपादना करन समय गुरु अंगद साहब जी के 15 श्लोक भाव की अनुकूलता अनुसार इस विच अंकित कर दिते सन। तो वड्डी गल जिहड़ी आसा की वार विच मनुख तो देवते बनन दी या आइडियल मैन बनन दी जिहड़ी है गल, वह हाईलाइट की गई है। आम तौर पर कहिंदे ने कि कदी कोई एक मनुख की गलती करके पूरी दुनिया विच परलो आ जाती है, बर्बादी आ जाती है, लखां मनुखां नूं उसकी जिहड़ी है गलती का जिहड़ा खुमियाजा भुगतना पैंदा है। और फिर किसे एक मनुख की अगर कोई नेक होवे, आइडियल होवे, उदी नेकी करके सारी मनुखती का भल मनुखता का जिहड़ा भला हो जाता है। यही गुरु नानक का विजन है। और आसा की वार दे विच जो समाजिक चित्रण और जो समाजिक कर्मकांड और परम भुलेखे समाज दे विच सन, खूबसूरती इस गल दी है बाणी दी कि अज दे विच माहौल विच भी अगर असी देखिए तो आसा की वार दा एक एक शब्द जिहड़ा अज दे समाजिक हालत दे उत्ते भी सानू लगेगा कि जिवें अज दे समाज ते गुरु नानक साहब कह रहे ने या गुरु अंगद साहब दे जिहड़े शब्द कीते ने। मैं डॉक्टर हरभजन सिंह जी नू बेनती करांगा कि वह अपने इस लैक्चर विच आसा की वार दी गल करन। परम सत्कारयोग, परम विवेकी गुरमत कॉलेज के चेयरमैन सरदार हरिंद्रपाल सिंह जी, आज दे इस प्रोग्राम विच भाग लैन वास्ते आए बहुत ही प्रबुद्ध, चिंतनशील, ज्ञान दे अभिलाषी श्रोता जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थोड़ी देर पहले किसी गुरमुख जन ने यह हुक्म किया सी कि गुरबाणी नूं अज दे समें नाल जोड़ के फिर व्याख्या की जाए तो ज़्यादा प्रभावकारी होंगे। गुरबाणी दे संबंध में असी सारे जानते हैं कि यह सर्वकाली है। जदों सरदार हरिंद्रपाल सिंह जी ने आनंद कारज जां विवाह दे पिछे जिहड़ी उहदी प्राइमरी चीज़ है ना, तन फिर ये ना आखियां बहन इकट्ठे होए, एक ज्योति दोए मूर्ति, तन फिर कही है सोए, ये कह दिता। मैं भी इसनूं रिपीट किया तां वो एक आइडियल व्यवस्था, तलाक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किवें रहना चाहिए पति पत्नी नूं, जदों ये गल ही कह दी तो मैनूं लगता नहीं फिर वो नाम लैके भी तलाक की गल की जाए तो ता ही वो रेलेवेंट हुंदी है। गुरु ने ऐसा बीज देना हुंदा है, तलाक लेना है नहीं लेना, ये विधि विधान समय नाल चेंज होंदे रहेंगे, परंतु इस समस्या के पिछे की है कि सामी पदरी जीव जिंदगी क्यों नहीं जी सकते। गुरु जी ने तो वह चीज़ लैनी कि जे यह मंत्र साढ़े पास होगा तो यहोजियां समस्यावां लाइफ विच नहीं आउणगियां। सो गुरु जी का उपदेश सर्वकाली है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਨੇਊ ਦੀ ਬਾਤ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਨਿਖੇਧ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੁਧਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਔਰ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੰਭ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਛੂਤ ਪਿੱਟ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਰੂੜੀਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰੂੜੀਵਾਦਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ TV ਹੈ, ਪੇਪਰ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਾਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਤਤੀ ਕਾਵਿ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਕਾਵਿ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲਏਗਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕਾਵਿ, ਤਾਂ ਵਾਰ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਨਜਾਬਤ ਕੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਿਖਿਤ, ਦੂਜਾ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ। ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਗਾਇਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 24 ਛੱਕੇ ਨੇ, 6 ਛੰਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਗਾਏ ਜਾਣ।
गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ियां वारां ने असीं इन्हां नूं तीन तरह दियां तीन प्रकार दियां वारां कह लैंदे आ। एक ओ वारां जिन्हां विच श्लोक नहीं हन, सिर्फ पौड़ी है, पौड़ियां ने। बसंत की वार है, इहदे नाल श्लोक नहीं लग्या, सिर्फ पौड़ियां ने। एक ओ वारां ने जिन्हां नाल श्लोक पौड़ियां दे नाल नाल ही उच्चारण किए गए ने, एडिट नहीं किए गए श्लोक, जिवें जैतसरी की वार है। जैतसरी की वार दे श्लोक पढ़ो तो जैतसरी की वार विच एक सिस्टम है। सिस्टम की है? पहला श्लोक सहस्कृति पैटर्न ते है, संस्कृत टाइप विच उच्चारण किया होया है। जिवें श्लोक पढ़ते हैं, आदिपूर्ण मध्यपूर्ण अंतपूर्ण परमेश्वर है, सिमरंति संत सर्वत्र रमणम नानक अगनासन जगदीश्वर है, त्यक्त जलम न जीव मीनम न चात्रिक मेघ मंडल है, बाण बेधन चुकुरंक नाद निस्वासुल अलकमल है। फिर इनू दखने विच उच्चारण किया, तो फिर इसन पौड़ी विच, ज्यो मछली बिन पानिया क्यों जीवन पावे, हुण ये उस चीज़ की पंजाबी व्याख्या आ गई। बूंद भी होना चात्रिको क्यों कर तृप्तावै, नाद कुरंक कै बेदया सनमुख उठतावै, पवर लोभी कुसम बास का मिले आप बंधावै, त्यों संत जना हरिप्रीत है देख दर्श अघावै। तो ये श्लोक, अगला दखना, दखना जिहड़ी भाषा पंजाब दे दखण दी सी, मुल्तानी बहावलपुरी ते आदिक, उहदी शब्दावली वाला। ते तीजा पंजाबी, तिन्ना विच ही भाव इको है। तो ये श्लोक गुरु अर्जन देव जी ने नाल नाल ही उचारे ने पौड़ियां दे, पर बहुतियां वारां जिहड़ियां ने ये श्लोकां नाल सिरलेख इस करके आया कि वार श्लोकां तो बिना हुंदी सी, श्लोकां नाल वारां जिहड़ियां ने वो लिखियां, श्लोक विच एडिट कर दिते गए। इस करके श्लोक ते पौड़ी कदे कदे सानू बिल्कुल असंबंधित लगते ने। ये लगता है कि पौड़ी च होर गल है, श्लोक विच होर बात है, एक श्लोक च होर गल है, दूजे च होर गल है, इहनू समझना पएगा। पौड़ी दा सानू पता है स्टैप, एक एक कदम एक एक कदम। वारली पौड़ी क्यों वरती जाती सी? क्योंकि युद्ध वाला वातावरण जैसे जैसे बनता जाना है, त्यों त्यों उहदे च सरगर्मी आउंदी जानी है। एक एक कदम काव ने तीबर हुंदे जाना है। कहानी शुरू होएगी, पहला कहानी विच होएगा ये राजा हुंदा सी, उहदा विरोधी ये सी, इस करा शुरू करांगे, फिर दोवां च खिचोतान वधी, कुछ सरगर्मी आ गई, फिर युद्ध दा मैदान आ गया, तो तलवारां चलन लग गईयां, तो होर तीव्रता आ गई। स्टैप बाई स्टैप जिहड़ा गायन है उहदे विच जोश आउंदा जाना है। इस करके वार नूं पौड़ी रूप विच लिखना, ये एक ये साहित्यिक गल है, ये कोई गुरु साहब ने नहीं, भी गुरु साहब ने पहली बार कीती है, वो वार दा सुभा है, वार दे सुभा अनुरूप पौड़ी रखी गई है। हुण जदों गुरु ग्रंथ साहब विच वार देखांगे तां उत्थे युद्ध दो बंदियां दा युद्ध तां है नहीं, उत्थे नेकी ते बदी दी जिहड़ी खेड है आपस विच चल रही, अंधेरे ते चानण दी, उहदे विच मनुख ने चानण वल स्टैप बाई स्टैप अगे वधदे जाना है, एक एक सीढ़ी चढ़दे जाना है, चढ़दे जाना है, चढ़दे जाना है। जिहड़ी साहित्यक वार है, योधियां दी वार है, उहदे विच स्टैप बाई स्टैप तीव्रता आई जानी है, इहदे विच स्टैप बाई स्टैप साधक ने परमेश्वर वल वधदे जाना है। श्लोक की चीज़ है, सलोक, लोक हुंदे जगत दृष्ट मान, जिसनूं वेख्या जा सकता है, जिहड़ा इन्हां लोचना नाल जिसनूं
वेख्या जा सकता है, अखां नाल वेख्या जा सकता है, वो लोक है। सालोक वो रचना जिहड़ी लोक नूं नाल लैके चले, पौड़ियां विच लोक नूं नाल लिजाण दी लोड़ नहीं है। नाउ तेरा निरंकार है ना लै नरक ना जाइए, उत्थे ते निरंकार दी बात है, दुनिया दी बात पौड़ियां च कट है। आप ही ने आप साजो, आप ही ने रचो, ना सिफत है परमेश्वर दी। जदों असीं श्लोकां विच वेखदे हां लोक दी बात है, श्लोकां विच सूतक दी बात है, श्राद्ध दी बात है, राजयां दा दम पखंड है, पुजारी दा दम पखंड है, लोग जिहड़े ने धर्म दे नां ते गुमराह होए इधर उधर भटकदे ने, जिहड़ा असीं पढ़दे हां पग उपेता ना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर शाही पाई, मूर्खन दा पतकवाई, उस रस्ते ते चलदे मजहबां दी खिचो ताण है। अपने अपने मजहब नूं लोग चंगा कहिंदे ने, मुसलमाना सिफत शरीयत, पढ़ पढ़ करें विचार, बंदे सेज पवें विच बंदी वेखण को दीदार, किस तरह धार्मिक अभिमान है लोग च, उसकी बात कीती है, श्राद्ध की बात कीती है, छूत की बात कीती है, किवें छुआछूत सूतक दियां पौड़ियां उचारण कीतियां ने, जगत विच मनुख दा सुभाव जिहड़ा है वह किहो जिहा है और किहो जिहा होना चाहिए, मिठत नीवी नानका वाला उपदेश दिता है, फिर नाल अपराधी दूना नीवें जो हंता मिर्गा है, ये भी कह दिता है कि मिठत जिहड़ी है दंभ करके झुकना मिठत नहीं है, मिठत है मन करके झुकना। सो लोक दी बात श्लोकां च है, अध्यात्मक प्योर अध्यात्मक बात वो पौड़ी च है। ये बड़ा एक संगम बनाया गुरु जी ने, और इसनू कीता क्यों गया है? क्योंकि जे लगातार सिर्फ रब दी सिफत करते जावांगे एक तो लोक निगलैक्ट हो जाएगा, योगियों वर्गे साधु ना बन जाइए, कितने लोग नूं नाल ही लैके चलना। दूजा लोक विच जिहड़ा व्यवहार दी सुधार दी लोड़ है उस तों साधक बेमुख ना हो जाए कि मैं की लैना इन्हां गल्लां तों। इस करके लोक दी बात ते परलोक दी बात ए नाल नाल चलदियां ने वार च। लोक तों गुरमुख ने बेमुख नहीं होना ते परमेश्वर दी बात गुरमुख ने छड़ नहीं देनी, ओ दी अंतरात्मा है, पौड़ी अंतरात्मा है वार दी। श्लोक उहदा बाहरली बाहरला पहरावा है, वार दी आत्मा केड़ी है? पौड़ी रब दी सिफत। ते वार दा जामा केड़ा बाहरला? उहने श्लोक, ये पहरावा अपनाया गुरु जी ने वार दी सज्जा करन वास्ते, वार दा शिंगार करन वास्ते, वार नूं शिंगारिया। ये देखो असीं गुरु महाराज की जदों बात करते हैं हर चीज़ का कायाकल्प हो जाता। कविता नूं हाथ ला लैन तो कविता नवीन रूप में आ जाती है, नवीं जिहड़ी कविता नूं छेड़िया है वह कविता ही जिहड़ा उहदा अवतार ही नवा हो गया। कदे वार धरती उत्ते इहो जी सी नहीं जिहो जी वार गुरु जी ने प्रगट कर दिती, फिर उसके रूप में परिवर्तन, फिर एक सिस्टम उसके गायन का। फिर तुसी कमाल की चीज़ देखोगे कि रागियां दे गान की चीज़ है, ढाडियां दे गान की चीज़ है वार। ढाडी लोग जो शीले जो शीलियां वारां गाते सन, राज दरबारां च गाते सन, लोकां विच गाते सन, लोगों तो इनाम प्राप्त करते सन, सारा सिस्टम बदलिया गया। जिहड़ी लोक गायकी दी चीज़ सी उहदे ते राग अंकित करके उहदे गायन विच बिल्कुल परिवर्तन कर दिता, रागियां दे गायन दी चीज़ बना दी वार। जिहड़ी ढाडी गांदे सी उह रागियां दे गायन दी चीज़ बना दी, फिर गायन दा सिस्टम एक निकल पिया, छक्का होर तरीके नाल गाणा। श्लोक तालबद्ध नहीं गाने, सिर्फ सुरां विच उचारण करने ने,
तो पौड़ी नू एक विलखण ढंग विच गाना है। तीन तरह की तो गायकी आ गई ये जे निरंतर इको टाइप की गायकी चल रही चलती रहे तो बंदा सुस्त आ जाता है थोड़ा, क्योंकि साडा तो बिरती सुती संसार च है तो बोरियत होने लग जाती है। गुरु जी ने वेखो कितना सिस्टम बनाया कि रब का नाम जपद्या बंदा कितने बोर ना होना शुरू हो जाए। इस करके छक्के वेच एक विलखण तरीके रब की उपमा कर ली, उन्हूं वखण वखरे तरीके गा लिया। सलोक जड़े ने उन्हां नूं तालबद्ध नहीं गाया, क्योंकि सलोक जड़े ने इन्हां दा उचारण मंत्र वांग कीता जांदा है, गाण दी चीज नहीं है। इस करके वारा ते वधीक सलोक जड़े ने उन्हां ते कोई राग नहीं लिखा गया, संस्कृति श्लोकों ते भी नहीं है, सवइयां ते भी नहीं है, क्योंकि सवइये कवीशरी दी चीज़ है, राग दी चीज़ नहीं है। सवइया कवीशरी दी चीज़ है, कवीशर गाते ना और राग मुक्त होके, ना कोई नाल साज वजद ना ताल वजदी है, कवीशर सुने नहीं ना आप जी ने। तो ये जड़ी चीज़ है कवीशरी दी है, श्लोक जड़ा है यदा उचारण में आनंद है, इस करके ये भी राग नहीं। इस कारण सलोक की प्रकृति नहीं विगड़न दिती, जदों असद वार दे गायन की मर्यादा बनाई है यदि प्रकृति नहीं विगड़न दिती। इहनूं तुसीं अज भी कदे कदे रागी ताल नाल गाई जांदे ने, पर जे ताल नाल गाओगे स्वाद नहीं आएगा। जे वारी वारी रागी जथे दे जिहड़े मैंबर ने दो या तीन, वो वारी वारी एक सलोक पढ़ता है फिर दूजा चुकदा, उहदे विच रस पैदा हुंदा है, क्योंकि उहदा सिस्टम ही होए। सिस्टम की अवज्ञा करांगे तो वो किते ना किते गड़बड़ होएगा। कई बार इको ताल में आसा की वार का फाह बढ़न वास्ते रागी जल्दी जल्दी एक ताल में ही बसो सारा कुछ ही पढ़ी जाते हैं, तो वह बोरियत वाला सिस्टम है। और वो ये महसूस करते हैं कि आसा की वार बोर कर रही है, इस करके शब्द जदों गाणगे तो उदों बड़े सहजना आसा की वार फटाफट लंघा देंगे। गुरु जी ने एक सिस्टम इसकी गायकी का डिवेलप कर दिता, गुरु जी ने इसका रूप बदल दिता, यदि गायकी बदल दी, इहदा विषय वस्तु बदल दिता। इत्थे जिस राजे की उपमा करनी है, जिस योधे की उपमा करनी है, राजा शहनशाह अकाल पुरख है, योधा गुरमुख जुझारू है, जिहड़ा विकारां नाल लड़दा है, जिहड़ा अंदर की लड़ाई लड़ रहा है, ये अंदर की लड़ाई है। ते ओ योधा जेड़ा अंदर दी लड़ाई लड़दा है, वह जगत तो बेमुख नहीं है, वह सुचेत है इस संसार दे प्रति। ओ साधक नहीं है जेड़ा जगत नू झूठ कहिंदा है, ओ साधक है जिसने संकल्प लिया सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मंड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार, ओ साधक है। सो एक बड़ी रस भरपूर ज्ञान भरपूर समाज का उत्थान करने वाली बाणी है। और आसा की वार जे असी ध्यान नाल इहनूं पढ़ीए, ये भी है कि किसी एक समाज की मर्यादा नहीं है, परंतु सारी की सारी साड़ी रहत मर्यादा इहदे उत्ते बेस्ड है। साड़ी रहत मर्यादा साड़ा रहनी सहनी जिहड़ी है आसा की वार उत्ते उसरी हुई है, इस कारण रोज़ पढ़ते हैं। पर इस दे विचों किते ए नहीं लगता कि इस सिखां दी रहत मर्यादा है। समाज की व्यवस्था बंदे जिहड़ा ये मनुखा समाज है इहदी व्यवस्था च किहड़े वी जिहड़े ने विगाड़ आए हुए ने ते किवें इहनूं सुधारिया जा सकता है, इहदी बात कीती है। गुरु जी कहिंदे ने कि एक सच दा धारनी गुरमुख व्यक्ति जिहड़ा है वह जगत को कितने एवें ना समझ लग जाए जिवें योगी समझते हैं, फिर तो फजूल ही है, विकार ही है, जगत को तो विकार ही कह दिता। गुरु जी ने कहा नहीं, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास, ये तो बेमुख नहीं होना। जगत नालों टुट गए तो रब नाल जुड़िया नहीं जा सकता। जिस कोठड़ी च वसद है वो उस कोठड़ी तो बंदा बेमुख हो गया, जिदे च उहदा निवास है, तो वह लभेगा कित्थे उहनूं।
ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪਾਏਗਾ? ਜਿਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ? ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸੱਤ ਸਵਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਰਾਹੀਮ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ। ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਸੇਵੀ ਦੂਜਾ ਰੱਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਲੱਖ ਮੁਹੰਮਦ ਆ, ਲੱਖ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੇ ਕੀਟ ਕੋਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂ ਰਾਮ ਸੇ ਡਾਰੇ ਮੇਟੇ ਬਣਾਏ। ਤੋ ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਆਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਦਵੈਤਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਧਕ ਹਨ ਦੋ, ਪਰਮ ਸਾਧਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰੱਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਹੈ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੂਜੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰ ਹੈ ਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਕੇਵਲ ਅਸਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਗਤ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ ਕਰਾਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਏ?